Everyone, today we are going to discuss interdepartmental relationship of housekeeping department with rest of the departments of the hotel. First of all, we will discuss its relationship with front office department. See, बहुत ज़रूरी है कि front office department और housekeeping department आपस में coordinate करें बहुत सारे aspects पर, so that there is smooth functioning in the hotel. First of all, front office is responsible for assigning the rooms to the guest at the time of check-in. But it is the housekeeping department जो बताता है कि room का status क्या है. Is room occupied? Is room vacant? Vacant तो है बट क्लीन्ड नहीं है, क्लीन है या आउट ऑफ ऑर्डर है या किसी रिपेयर के काम से उसको नहीं यूज़ किया जा सकता. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फ्रंट ऑफिस को हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है. दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर एंड ओनली देन फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट किसी को कोई रूम असाइन कर पाता है. सो दिस वन पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, as we know ki it is the housekeeping department which is responsible for cleaning of hotels, cleaning all the areas of hotel. To वैसे ही front office department जो कि face of the hotel होता है उसको clean करना, regular cleaning करना, dusting, dirt clean करना, उसको polish करना floor को, ये सारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की, उसके एक नॉर्मल फंक्शन की तरह. उसके बाद होटल में लिमिटेड नंबर ऑफ रूम्स होते हैं. एक डे में कितने रूम्स लगे हैं उसकी रिपोर्ट्स बनती हैं फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में भी और हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में. और अगर दोनों डिपार्टमेंट्स की ऑक्यूपेंसी लेवल्स की रिपोर्ट्स में कोई डिफरेंस हो तो उस डिस्क्रिपेंसी को दूर करते हैं आपस में कोऑर्डिनेट करके दोनों डिपार्टमेंट्स. एवरी नाइट आफ्टर द एंड ऑफ द डे वन पर्सन फ्रॉम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, वन पर्सन फ्रॉम फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट एंड हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, दे टुगेदर चेक कि रूम के स्टेटस में कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है. दे चेक द वेकेंट रूम्स by going inside the vacant rooms, so that कि जो number of occupied rooms या number of vacant rooms हैं उनके status पे clarity बन सके कि yes इतने ही rooms लगे हैं और इतने rooms vacant हैं. So daily room report या housekeeping discrepancy report पे front office और housekeeping coordinate करते हैं. सी, इट इज़ द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट जो चेकआउट के टाइम पे गेस्ट के रूम में विजिट करता है, चेक करता है कि गेस्ट ने मिनी बार से कुछ कंज्यूम तो नहीं किया या कोई चीज़ टूट फूट तो नहीं गई है या गेस्ट की कोई बिलोंगिंग्स होटल में तो नहीं रह गई हैं. तो इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है? हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट. तो अगर कोई चीज़ मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट मांगती है तो ये चीज़ भी हाउसकीपिंग वाले फ्रंट ऑफिस को इन्फॉर्म करते हैं कि ब्रिंग दिस रूम अंडर आउट ऑफ ऑर्डर और अंडर मेंटेनेंस और अंडर रिपेयर, सो दैट उसमें मेंटेनेंस हो सके और गेस्ट को तब तक ये रूम ना दिया जाए. इसके अलावा स्प्रिंग क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, इन सब चीज़ों को स्केड्यूल करना और उसके अकॉर्डिंग रूम्स को आउट ऑफ ऑर्डर लेना, ये सारा काम भी कोऑर्डिनेट करके करते हैं फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट. उसके बाद अलग अलग तरह के गेस्ट होते हैं होटल में. सम आर VIPs, सम गेस्ट कम इन ग्रुप. सो VIPs और ग्रुप्स इन द हाउस, इसके ऊपर स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है एंड हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट और फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, असेंशियल इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ ए ग्रुप इज़ कमिंग इन द होटल तो होटल डिसाइड करता है कोऑर्डिनेट करके कि व्हाई नॉट प्लेस देम इन वन फ्लोर या ऑन वन फ्लोर, ताकि उनको सर्व करने में या उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनके
प्रॉपर वेलबींग के लिए कोई डिफ़िकल्ट ना आए, ना ही होटल को ना ही गेस्ट को, उनको साथ रखा जाता है सो दैट दे रिमेन ऑन द सेम फ्लोर, द रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड. गेस्ट को, दूसरे जो गेस्ट हैं उनको डिफ़िकल्टी ना हो किसी एक ग्रुप के अराइवल से. और अगर कोई VIP आना है होटल में तो फ्रंट ऑफिस वाले हाउसकीपिंग को इन्फॉर्म करते हैं. दे डू स्पेशल अरेंजमेंट्स, चाहे वो बुके प्लेस करना हो या एक्स्ट्रा अमेनिटीज़ प्लेस करना हो या एक्स्ट्रा क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट हो, दो बार क्लीनिंग स्केड्यूल करनी हो या रूम को सुपरवाइज करना हो, इन सारी चीज़ों पे फ्रंट ऑफिस एंड हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं. सिमिलरली वी नो एयरलाइंस के जो क्रू मेंबर्स होते हैं, पायलट्स होते हैं, दे स्टे इन द होटल्स. सो उनकी वियर्ड टाइमिंग्स होती हैं. मॉर्निंग 5 बजे की शिफ्ट है, शाम को 8 बजे की शिफ्ट है. सो उनकी शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट्स करना, क्लीनिंग करना, इसके लिए भी हाउसकीपिंग और फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं. फॉर एग्जांपल, हाउसकीपिंग को फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट बताता है कि क्रू मेंबर्स स्टे कर रहे हैं, दे हैव देयर चेक इन एंड चेकआउट टाइम लाइक दिस, दे हैव देयर ड्यूटी टाइमिंग्स इन दिस वे. उसके अकॉर्डिंग फूड अरेंज करना उनके लिए, उसके अकॉर्डिंग उनके रूम में क्लीनिंग के लिए जाना, ये सारी चीज़ों में आपस में कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होती है. पर्पस होता है कि गेस्ट को कम से कम तंग किया जाए. अगर हाउसकीपिंग का स्टाफ अपनी रेगुलर शिफ्ट की तरह क्लीनिंग के लिए जाएगा तो हो सकता है जो क्रू मेंबर्स हैं या क्रू स्टाफ है वो जस्ट अपनी शिफ्ट फिनिश करके आए हों, तो उनके लिए एक डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है ये. हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावर अरेंजमेंट्स इन द होटल. तो वैसे ही फ्रंट ऑफिस के अपीयरेंस को एनहांस करने के लिए फ्लावर अरेंजमेंट्स फ्रंट ऑफिस में भी किए जाते हैं. सो कोऑर्डिनेशन इस आस्पेक्ट पे भी ज़रूरी है फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में. अगर किसी गेस्ट की स्पेशल रिक्वायरमेंट है, इफ़ ए गेस्ट से व्हेन आई डू ए चेक इन, मेरे रूम्स में आप बुके या फ्लावर्स या गार्लैंड्स प्लेस कर दें, कुछ भी प्लेस कर दें, आई नीड ए स्पेशल रिक्वायरमेंट, आई नीड ए स्पेशल फ्लावर अरेंजमेंट, या कोई ऐसा गेस्ट आ रहा है जिसकी अभी अभी शादी हुई है या कोई बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं, सो दे वॉन्ट स्पेशल अरेंजमेंट्स लाइक दैट, तो ये फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करे, उनको इन्फॉर्म करे और उस हिसाब से अरेंजमेंट्स करे. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म्स टू ऑल द स्टाफ मेंबर्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स. सो उसी तरह फ्रंट ऑफिस वालों को भी अपनी यूनिफॉर्म कहाँ से मिलती है, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में. क्लीनिंग के लिए कहाँ जाती हैं, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की लॉन्ड्री में. और री इशू या न्यू यूनिफॉर्म्स कौन इशू करता है, रिपेयर करता है, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट. सो इन दिस वे दे ऑल्सो कोऑर्डिनेट इन दिस आस्पेक्ट. सो दैट्स ऑल फ्रॉम टूडेज लेक्चर. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस कोऑर्डिनेशन ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट विद मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एज वेल एज सिक्योरिटी डिपार्टमेंट. थैंक यू.